तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपनी ब्रांच को स्विच करते हैं और कैसे बाद में हम उस ब्रांच को मर्ज करते हैं अपनी किसी और ब्रांच से। मतलब आपने ये देख लिया था न्यू ब्रांच कैसे बनाते हैं, कैसे न्यू ब्रांच में शिफ्ट करते हैं और कैसे ब्रांचेस को मर्ज किया जाता है। ठीक है, अपना ये काम हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जब हम ब्रांच को मर्ज करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर क्या आता है, ये कन्फ्लिक्ट आता है। अब कन्फ्लिक्ट कब आता है, अगर सपोज करो कि आपने एक मेन ब्रांच है उसमें आपने एक HTML फाइल है उसमें आपने चेंजेस किए हैं। जैसे सपोज अगर आपने स्क्रीन दिखाऊं तो यहाँ पे services.html फाइल है। हो सकता है कि मेन जो आपकी ब्रांच है उसमें भी आपने इस लाइन में कोड चेंज कर दिया और आपकी जो सर्विसेज ब्रांच है उसमें भी आपने इस लाइन में कोड चेंज कर दिया, और जब आप दोनों को मर्ज करोगे तो कन्फ्लिक्ट आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कन्फ्लिक्ट आता है। तो इस टाइम मैं पहले देख लेता हूँ कि मैं किस ब्रांच पे हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ गिट स्टेटस, ठीक है, तो मुझे स्टेटस बताता है कि मैं इस टाइम मास्टर ब्रांच पे हूँ। ठीक है, और ये बताता है कि यहाँ मैं कहाँ आगे पीछे कितने कमिट्स है वगैरह वगैरह। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। तो मैं गिट ब्रांच नाम की कमांड यूज़ करूँगा, उससे मुझे दिख जाएगा कि मेरी कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मास्टर ब्रांच है, पवन ब्रांच है, सर्विसेज ब्रांच है। तो ये तीन ब्रांचेज हैं हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब मास्टर ब्रांच में मैं इसमें चेंज कोड चेंज करूँगा। जैसे मैं करूँगा सर्विसेज पेज फिनिश्ड ऑन मास्टर ब्रांच। ठीक है, तो मैंने ये चेंज किया यहाँ पे सर्विसेज पेज फिनिश्ड ऑन मास्टर ब्रांच। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कमिट करना बहुत जरूरी होता है अगर हमने चेंजेस को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंजेस डन। ठीक है, और इसको एंटर कर दिया मैंने। और अभी इसको मैंने अभी स्टेजिंग पे ऐड नहीं किया था, तो पहले मैं इसको स्टेजिंग पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा कमिट हो गया, एक फाइल चेंज हुई है, एक चेंज और एक डिलीशन हुई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेकआउट कर रहा हूँ अपनी सर्विसेज ब्रांच पे। ठीक है, अब मैं सर्विसेज ब्रांच पे आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वही प्रीवियस कोड है जो कि है सर्विसेज पेज फिनिश्ड, और यहाँ पे मैं इसमें कर देता हूँ ऑन सर्विसेज ब्रांच। ठीक है, बट अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि जब दोनों फाइल की सेम लाइन में ही अगर कोड हमने दोनों ब्रांच में चेंज कर दिया, मैंने क्या बताया था अगर दो ब्रांच में हमने सेम फाइल पे सेम लाइन में चेंज कर दिया तो ये कन्फ्लिक्ट आएगा। अब ये कन्फ्लिक्ट आना चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी स्टेजिंग में ऐड करता हूँ पहले, और इसको कमिट कर देता हूँ। तो हम सर्विसेज लिख रहा हूँ फिलहाल में। ठीक है, अब मिट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ मेन ब्रांच पे। ठीक है, मैं चेकआउट कर रहा हूँ मेरा मेन ब्रांच पे, सॉरी मास्टर ब्रांच पे। ठीक है, अभी मास्टर ब्रांच पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सर्विसेज ब्रांच को मर्ज करूँगा। अब देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट आता है या नहीं आता है, आता है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, नहीं आता तो ओके है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ गेट मर्ज कमांड यूज़ कर रहा हूँ, और कौन सी ब्रांच है हमारी सर्विसेज, क्योंकि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज वाली ब्रांच को करंट ब्रांच जो कि मास्टर ब्रांच है उससे मर्ज कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको लिख के एंटर करूँगा तो एरर आया, कुछ कह रहा है कि ऑटो मर्जिंग सर्विसेज .html। ठीक है, ऑटो मर्ज करने की कोशिश कर रहा था बट हो नहीं पाया, कन्फ्लिक्ट आ गया मेरा। कह रहा कन्फ्लिक्ट आया कंटेनर में, मर्ज कन्फ्लिक्ट इन सर्विसेज .html फाइल। ठीक है, अगर यहाँ पे चार पाँच फाइल होती तो सबके नाम बताता कि इस फाइल में भी कन्फ्लिक्ट आया, इस फाइल में भी आया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक मर्जिंग फेल हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो आई सेम लाइन में गया है, अब वो ऑटोमेटिक मर्जिंग नहीं कर सकता। अगर आप सेम फाइल पे बट डिफरेंट लाइंस में कोड चेंज करते तो वो आपका मॉडिफाई करता और मैनेज कर लेता कि इसको भी रख लेता, इसको भी रख लेता और मर्ज कर देता। बट यहाँ पे कोड ही सेम लाइन पे चेंज हो गया, अब वो कन्फ्यूज़ है क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन सा आप रखना चाहते हो। तो वो अब हम पे छोड़ रहा है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग देखो, जो आपको सही लगता है वो रख लो, जो नहीं सही लगता उसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब कह रहा है कि फिक्स कर दो और फिर से कमिट करो। ठीक है, तो ठीक है, प्लेस कोड में देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ग्रीन और ब्लू दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये हिंट भी दे रहा है कि ये करंट चेंज है, जिसमें हेड लिख के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है कि सर्विसेज पेज फिनिश्ड ऑन मास्टर ब्रांच, और ये आ रहा है कि इनकमिंग चेंज जो कि सर्विसेज में आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ सर्विसेज पेज फिनिश्ड ऑन सर्विस ब्रांच। और यहाँ पे कुछ बटन मुझे ऑप्शन मिल रही है कि एक्सेप्ट कौन सा करना है, करंट चेंज को एक्सेप्ट करना है मतलब मास्टर ब्रांच की चेंज को, या एक्सेप्ट करना है इनकमिंग चेंज को मतलब कि सर्विसेज वाली चेंज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, या फिर दोनों को ही आप चेंजेस को रखना चाहते हो। ठीक है, तब या फिर दोनों को कंपेयर करना चाहते हो फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपको इसने ऑप्शन दी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारे कुछ आईडी ही होते हैं उसमें GUI प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया हुआ है गिट का,
ये भी देखो, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें ये हमें क्लियर हिंट दे रहा है कि कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सीधे यहाँ पे बटन बने हुए, सभी सीधे इसे बता दिए कि कौन सी ब्रांच करंट है, कौन सी हमारी दूसरी ब्रांच से आ रहा है और दूसरी किस ब्रांच से आ रहा है, सब कुछ बता दिया। बट अगर यही चीज़ हम नोटपैड में ओपन करते तो हमें थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो देखो, अगर मैं इसी सेम प्रोजेक्ट में जाता हूँ, हमारी services.html फाइल में कन्फ्लिक्ट आया, इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में ओपन करूँगा, नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहा हूँ। देखो एक्चुअल में ये ऐसा दिखता, हम नोटपैड प्लस प्लस में क्या दिख रहा है, इसने दिखाया हेड। हेड मतलब जैसे मैंने बताया था आपको, हेड होता है जो करंट वाला इंडेक्स होता है, जो करंट हमारी ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे हम करंटली खड़े हैं वो हमारा हेड हो गया, ठीक है। और ये जो सर्विसेज है वो दूसरी ब्रांच है जिसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। और इसने बस इतने बताया, ठीक है, हेड कह रहा है ये है और आपकी जो सर्विसेज ब्रांच में ये है, ठीक है। हमें कुछ नहीं बताया कि कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे रिजेक्ट करें, तो हमें खुद से करना होगा। तो मैं आपको GUI के थ्रू नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक्चुअल में करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ, अब आप खुद सोचो कि आप कौन सा रखना चाहते हो। अगर तो आप चाहते हो कि ये मास्टर ब्रांच वाला रखना चाहते हो तो आप इसको रखो या सर्विसेज ब्रांच वाला, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको सर्विसेज ब्रांच वाला रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, और इसको हटा दूँगा यहाँ से, मतलब कि अब इसको ऊपर ले जाऊंगा और ये फालतू हटा दूंगा और इसको मैं करूंगा सेव, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या किया, वो जो गलत कोड था उसको मैंने रिमूव कर दिया, जो वहाँ पे एरो 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 आए हुए थे ना, और साथ में हेड लिखा हुआ था और एरो 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 लग के उसमें दूसरी ब्रांच का नाम लिखा हुआ था, वो एक ये बता रहा था कि ये कन्फ्लिक्ट है, जो इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लग के और ये दिखा रहा था ना, वो तो बता रहा था कि ये सारा सेगमेंट जो है ये कन्फ्लिक्टेड सेगमेंट है, ये सेगमेंट और ऊपर वाला सेगमेंट दोनों कन्फ्लिक्टेड थे, उन दोनों को आप फिक्स करो, मैच करा के और बाद में एक को एक्सेप्ट करो। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और पुराना मैंने रिमूव कर दिया और इसको मैंने सेव भी कर दिया है। अगर मैं VS कोड में आऊँ तो देखो यहाँ पे भी वैसा हुआ, वो ग्रीन येलो नहीं आ रहा, मतलब कि कन्फ्लिक्ट मेरा रिजॉल्व हो चुका है। और उसने वार्निंग क्या दी थी, मतलब एरर क्या दिया था, कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट को फिक्स करो, फिर से कमिट करो, ठीक है। मतलब अब मेरा वो रिजॉल्व हो चुका है, अब मैं इसको फिर से ऐड करूँगा और अब इसको मैं कमिट करूँगा। मैं मैसेज लिख रहा हूँ कि मर्जिंग डन, ठीक है, कमिट हो गया, अब कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ, अभी चला जाएगा मेरी मास्टर ब्रांच पे, जो कि होगा services.html फाइल में कंटेंट होगा सर्विसेज पेज फिनिश ऑन सर्विसेज ब्रांच, ठीक है। अब देखते हैं पुश हो रहा है, ठीक है, ये हमारा कोड जो है पुश हो गया। अब मैं जाके एक बार गिटहब पर देख लेता हूँ कि क्या पहुँचा है मेरे पास, यहाँ पे कुछ आया भी है कि आया ही नहीं। तो यहाँ पे देखो आ रहा है, अब कह रहा है कि जस्ट नाउ कुछ चेंज हुआ है, कुछ कमिट आ पाया है। तो अब मैं कमेंट देखता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है मर्जिंग डन, मर्जिंग डन, तो मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि देखो ये मेरा चेंज था, इस चेंज को मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मर्ज करते हैं हम कोड को, और जब मर्ज कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको ऐसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। अगर आप GUI के थ्रू करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको तो सारा दिखा देगा कि ये चेंज होना है, ठीक है। बट अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो ये तो मेरा सिंगल एक सिर्फ सिंगल लाइन का था, तो हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी फाइल है, 1000 लाइन का कोड है, उसमें आपने हो सकता है कि 50 लाइन में आपने चेंज कर दिया, ऊपर कहीं स्टार्टिंग में कर दिया, बीच में कहीं पर भी कर दिया, एक और नीचे कहीं कर दिया, एक और कर दिया, ऐसे बहुत जगह आपने सेम कोड चेंज कर दिया दो अलग अलग ब्रांच में। वहाँ पे आपको हो सकता है कि GUI की हेल्प लेनी पड़ जाए, क्योंकि GUI थोड़ा ईजी होता है, कोड के थ्रू आपको नोटपैड में ढूंढना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। बट मैं आपको नोटपैड के थ्रू इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में पता हो कि कैसे फिक्स करना है। जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे तब तो काम तेज तेज करना होता है, और तेज तेज करना है मतलब कि आप GUI की हेल्प लोगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसको डीपली कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है, अगर बाई चांस कभी आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ जाए, ठीक है। तो ये था, बाकी इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं और आपको मैं दे भी दूंगा इसको। इसमें टिप्स क्या है, कह रहा है कि यू कैन यूज द गिट मर्ज कमांड टू मर्ज चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांच। तो कह रहा है जो गिट मर्ज कमांड है हमारी, वो हम दो ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमें मैंने बता ही दिया था। वो कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है तो वो आपको जो गिट मर्ज की कमांड है वो आपको प्रॉम्प्ट देगी कि भाई पहले इसको फिक्स करो फिर से कमिट करें, ठीक है। उसका कह रहा है कि आप गिट स्टेटस वाली कमांड को यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए कि कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आया, ठीक है। अभी तो उसने एरर दे दिया था कि कन्फ्लिक्ट आया है, बट अब आपने इग्नोर कर दिया कि वही मैं बाद में देखूंगा, और आपने बाद में अपना काम कर लिया और बाद में आपने देखा कि भाई कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पड़ा कोई,
तो आप क्या कर सकते हो, गिट स्पेस स्टेटस लिखोगे तो आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ जो है वो कन्फ्लिक्ट पड़ा है, उसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, हो गया। उस बाद कह रहा है कि जब आप गिट कन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर दोगे तो आपको फिर से उसको ऐड करना होगा, फिर से कमिट करना होगा। ठीक है, वो हमने करके देख भी लिया था। और लास्ट में टिप वही है कि हमें इसको कमिट करके कमिट करना होगा चेंज को, जो हमने ऑलरेडी किया था कि कैसे हम गिट को कमिट किया था और कमिट करके हमने पुश भी कर दिया उसको। तो ये थी मर्जिंग और मर्ज कन्फ्लिक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो आई कैन क्रिएट मोर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।